अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमें वालमार्ट और ईबे से सोर्स क्यों नहीं करना चाहिए। मोस्टली जो न्यूबीज होते हैं, मैंने भी ये मिस्टेक की है, और अगर हम ईबे या फिर वालमार्ट से सोर्सिंग करेंगे तो क्या हमें इसका लॉस क्या है और इसके बेनिफिट क्या हैं। ये एक प्रोडक्ट है, हमें 14 की मिल रही है वालमार्ट से और 46 की बिक रही है। इसमें $1 प्रॉफिट है और 150+ इसकी ROI है। प्रॉफिट भी अच्छा है, ROI भी अच्छी है। ये वालमार्ट से यहाँ पे मिल रही है 14 की, और इसमें इशू क्या है वो भी देखते हैं। लेकिन हमें क्यों नहीं सोर्स करनी चाहिए ईबे से और वालमार्ट से, स्पेशली वालमार्ट से। वालमार्ट से सेल सोर्स इसलिए नहीं करनी चाहिए और ईबे से, क्योंकि हमें यहाँ से चाइनीज सप्लायर मिल रहे होते हैं, बहुत से थर्ड पार्टी सेलर बैठे होते हैं, और जो ये सेलर होते हैं ये प्रोडक्ट चाइना से मैन्युफैक्चर करा रहे हैं। बहुत चीप क्वालिटी की प्रोडक्ट होती है, और जब आप इसको सेल करते हैं, अमेजोन पे रीसेल करते हैं, तो कस्टमर्स की बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं, और इसमें आपको प्रॉबली चांस होता है कि आपको IP आ जाए, या उसके साथ IP के साथ आपको प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी की कंप्लेंट भी आ सकती है। तो इस प्रोडक्ट को अगर आप ईबे से या फिर वॉलमार्ट के थर्ड पार्टी सेलर से ये प्रोडक्ट परचेज करके आप रीसेल करेंगे अमेजोन पे, तो देर इज़ लॉट ऑफ चांसेस कि आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो जाए, आपको कंप्लेंट्स भी आए, और आपके अकाउंट की हेल्थ भी प्रॉपर ना रहे, नॉर्मल ना रहे, जिस तरह आम रूटीन में होती है। अगर आप किसी और सप्लायर से, अच्छे सप्लायर से ऑथेंटिक प्रोडक्ट बाय करके से रीसेल करते हैं, तो बहुत रेयर चांस होता है कि आपको इस तरह की कंप्लेंट्स आए। आती हैं, कभी डैमेज की इस तरह की आ जाती हैं, लेकिन इस तरह की प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन नहीं आती, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक होती है। यू कैन सी यार कि ये सेलर बैठा हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करने का कि ये चाइनी है या नहीं, उसका दो तरीके हैं। एक तो इसका शिपिंग टाइम देख लें, आज 2 अप्रैल है एंड ये शिपिंग दे रहा है 20 अप्रैल की, तो मतलब इसका ये एक साइन हो गया कि ये चाइनीज सप्लायर ये चाइनीज प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ है। बेशक इसकी सेलर डिटेल में अगर देखें तो मुमकिन है ये USA की डिटेल पे अकाउंट बना के बैठा हो, लेकिन देर इज़ लॉट ऑफ चांसेस कि ये चाइनीज़ है। हाँ, यहाँ पे इसने USA की डिटेल ही दी हुई है, लेकिन ये अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर चाइना से करा रहे हैं, और लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होगी। जब आप इसको रीसेल करेंगे तो आपको बहुत से इशू आ सकते हैं। इस तरह सेम है कि आप अगर ये एक प्रोडक्ट है जो अमेजोन पे बिक रही है 47 की एंड ये 26 की ईबे पे मिल रही है, इसमें $11-12 प्रॉफिट है और 44% ROI है। लेट्स सी, ये ईबे पे पड़ी हुई है, यहाँ पे सेम प्रोडक्ट है, बाकी सारा कुछ सेम है, मॉडल वगैरह सारा कुछ सेम है, लेकिन ये है कि ये भी एक चाइनीज सप्लायर सेल कर रहा है यहाँ पे ईबे पे, तो इस पे भी आपको बहुत से चांसेस हैं कि आपको रिटर्न आ जाए प्रोडक्ट्स के, और रिटर्न के साथ आपको और भी इशू आ सकते हैं, लाइक प्रोडक्ट डैमेज या प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी, इस तरह की और बहुत सी कंप्लेंट्स आ जाती हैं जिनकी वजह से आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। लेट्स सी, ये चाइनीज़ ही है या नहीं। हाँ, ये चाइनीज़ है, लेकिन मोस्टली होता है कि यहाँ पे लोकेशन उन्होंने चेंज की होती है, लेकिन होते चाइनीज सप्लायर हैं, तो इनको थोड़ा डीपली एनालिसिस करके परचेज करें, ऐसा ना हो कि आपको प्रॉफिट के चक्कर में अपने अकाउंट से हाथ धोना पड़े। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो चाइनीज सप्लायर होते हैं वॉलमार्ट पे, वही प्रोडक्ट बाय करें जो शिप एंड सोल्ड बाय वॉलमार्ट हो। वॉलमार्ट पे और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो आप सोर्स कर सकते हैं, लेकिन ये एक प्रोडक्ट है जिसकी क्वालिटी पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए, लेकिन आपके अकाउंट की हेल्थ इफेक्ट करेगी। ये एक सप्लायर है यहाँ पे, ये मोस्टली चांसेस होंगे कि शिप एंड सोल्ड बाय वॉलमार्ट होगा। ये भी थर्ड पार्टी सेलर है, रिटर्न एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इसका भी यही है कि ये चाइनीज सप्लायर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये चाइना से शिप कर रहा है। सो इस तरह अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे, आप सोर्सिंग में प्रॉफिट को देखेंगे जस्ट और प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को नहीं देखेंगे, तो आपको बहुत से रिटर्न, रिफंड और स्पेशली आपको अकाउंट की हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। सो ये प्रोडक्ट है, ये शिप एंड सोल्ड बाय वॉलमार्ट है, सो आप इसको चेक कर सकते हैं। इस तरह की प्रोडक्ट्स को आप रीसेल भी कर सकते हैं, इनको आप अनगेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं जो आप
सेल करें तो आपको इस तरह का प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी का या फिर इस तरह की कंप्लेन नहीं आएगी। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट सेल करेंगे थर्ड पार्टी सेलर से लेके, तो उनका एक और भी साइन ये है कि वो उन पिकअप के लिए अवेलेबल नहीं होती। चलें कोई नहीं, पिकअप के लिए ये ना भी हो, सेम डे डिलीवरी या टू डे डिलीवरी नहीं दे रहे होते चाइनीज़ सप्लायर, और इनके साथ ये होता है कि उनकी अकाउंट भी चाइनीज़ डिटेल पे बने होते हैं, तो आइडेंटिफाई बंदा इजीली कर लेता है कि ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं। सो बेहतर है आप अगर जस्ट प्रॉफिट के चक्कर में अपने अकाउंट की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये एक बेस्ट वे है। आप ये एक और प्रोडक्ट है, ये भी चाइनीज़ सप्लायर दे रहा है 13 की, ये अमेजोन पे ऑलमोस्ट 40-45 की बिक रही है। सो बेहतर है अगर आप अपने अकाउंट की हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ करें, उससे बेहतर है कि इस तरह के प्रोडक्ट सेल भी ना करें। ये भी एक प्रोडक्ट, अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें भी चाइनीज़ सप्लायर है। तो ईबीए से भी सोर्स कर सकते हैं, ये इशू नहीं है कि आप ईबीए से सोर्स नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको आप अवॉइड करें, कोशिश करें कि वो ईबीए से या फिर वॉलमार्ट से सोर्स ना करें, स्पेशली चाइनीज़ सप्लायर पे। जितना हो सके आप चाइनीज़ सप्लायर को, थर्ड पार्टी सप्लायर को, और स्पेशली ऑन वॉलमार्ट, ये नहीं देखना कि इसका फीडबैक अच्छा है तो प्रोडक्ट अच्छी होगी। इस प्राइस के मुताबिक इस प्रोडक्ट पे फीडबैक ठीक है, लेकिन जब आप इसको रीसेल करेंगे हाई प्राइस पे, प्रोडक्ट भी सेम होगी, ब्रांड भी ऊपर मेंशनड होगा, बट प्रोडक्ट जो क्वालिटी होगी उस वो सेम नहीं होगी। तो इस वजह से आपको बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।